नेक्स्ट है हमारा फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इन वर्ड्स की हमें मीनिंग फाइंड करना। सबसे पहला है विलिंग, एक्साइटेड एंड रेडी, यानी कि किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना और रेडी रहना। कैंसल्ड, वुड नॉट टेक प्लेस, यानी कि उस चीज को कैंसल कर दिया गया, यानी कि वो चीज हो नहीं पाई। फेल्ट वेरी सॉरी, मतलब कि बहुत ज्यादा उदास हो जाना, फेल्ट वेरी सैड। रीचेस, अराइव्स एट, रीचेस का मतलब होता है कि वहां पर पहुंच जाना। फैंटास्टिक, हेयर ग्रेट, यानी कि बहुत बढ़िया। डैंगल्ड, हंग लूजली, यानी कि किसी चीज में फंस जाना और लटके रहना उसमें। नेक्स्ट है हमारे, इन्होंने यहाँ वर्ड्स दिए हुए जिसके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। कैंसल्ड, माय एग्जाम गॉट कैंसल्ड टुडे ड्यू टू हैवी रेन, यानी कि मेरा जो पेपर होने वाला था वो कैंसल हो गया, वो हुआ नहीं क्योंकि बारिश हो गई थी। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन्ड, माय टीचर एक्सप्लेन्ड मी द चैप्टर, मेरी जो टीचर है उसने मुझे चैप्टर समझाया। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। शाय, माय फ्रेंड रिया इज वेरी शाय, मेरी जो दोस्त है रिया वो बहुत शर्मीली है, शाय का मतलब शर्मीली। रीचेस, माय टीचर टीचेस ऑलवेज ऑन टाइम, रीचेस होगा ये, माय टीचर रीचेस ऑलवेज ऑन टाइम इन क्लास, यानी कि मेरी जो टीचर है वो क्लास में हमेशा टाइम पर आती है। क्राउड, देयर इज सो मच क्राउड इन द मार्केट, क्राउड मतलब कि भीड़ भाड़ होती है, तो यानी कि इसका सेंटेंस बना कि ये जो मार्केट है यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट। अब देखो नीचे हमें इन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, यानी कि एक लाइन दी हुई है जिसे पढ़ के आंसर करना है। व्हाट अ ग्रेट आइडिया बट हु विल आई रेस विद, अब ये लाइन में से क्या क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। हु डज आई रेफर इन द अबव लाइन, अब इसके अंदर आई किसके लिए बोला गया है, आई रेफर्स टू ओसी, आई ओसी के लिए बोला गया है। व्हाट वॉज द ग्रेट आइडिया एंड हु गेव इट, अब जो आइडिया था वो इतना अच्छा क्यों था और किसने वो आइडिया दिया था। द आइडिया वॉज दैट ओसी हिमसेल्फ कुड टेक पार्ट इन द रेस, इट वॉज गिवन बाय द क्लॉडेट, आइडिया ये था कि ओसी खुद ही, यानी कि ओसी जो वहां का रेस अरेंजमेंट कर रही है वो खुद ही उस दौड़ में हिस्सा ले ले, और ये आइडिया क्लॉडेट ने दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा आंसर इन ब्रीफ, व्हाई डिड द क्राउड शट, इट्स अ ड्रॉ, अब जो क्राउड था वो एकदम से चुप क्यों हो गया, ये तो ड्रॉ है, यानी कि यहाँ पर जो मैच है ना इसमें कोई हारा ना कोई जीता। बिकॉज बोथ मॉर्फो एंड ओसी टुगेदर रीच द फिनिशिंग लाइन फर्स्ट, ऐसा क्यों था, क्योंकि मॉर्फो और ओसी दोनों ही इकट्ठे एक साथ फिनिशिंग लाइन पे पहुंचे थे, तो इसलिए जो उनका मैच था वो ड्रॉ हो गया, ना कोई हारा ना कोई जीता। Whom did Claudette ask Aussie to race with? अब जो Claudette था उसने Aussie से क्या बोला था कि आप इसके साथ रेस करो। Claudette asked Aussie to race with Morpho. Claudette ने Aussie को बोला कि तुम Morpho के साथ रेस कर लो। नेक्स्ट आता है What did Aussie explain at the starting of the line of the race? अब ये वाला जो क्वेश्चन है हम पिछले असाइनमेंट में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इफ यू वर मॉर्फो एंड हैड सीन ओसी इन ट्रबल व्हाट वुड यू हैव डन ड्यूरिंग द रेस, अगर तुम मॉर्फो होते और अगर तुम देखते कि ओसी ऐसे मुश्किल में पड़ गई है तो आप क्या करते उस टाइम पर। आई वुड ऑल्सो हेल्प ओसी एज मॉर्फो डिड बिकॉज इट इज बेटर टू विन अ फ्रेंड देन टू विन अ रेस, अब मैं भी यही करता कि मैं ओसी की मदद करता जैसे कि मॉर्फो ने करी है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा है कि मैं अपने दोस्त को जीतू ना कि रेस को जीतू, क्योंकि ऐसा करके क्या हुआ, उनकी दोस्ती और अच्छी हो गई, तो इसलिए मैं भी ऐसा करता। हु वॉज द रियल विनर ऑफ द बिग रेस एंड वाई, अब जो असल में रेस का विनर कौन था और क्यों था। मॉर्फो वॉज द रियल विनर एज ही हैड हेल्प्ड ओसी टू सेट हिम फ्री फ्रॉम स्पाइडर वेब इवन दो इट मेंट लूजिंग द रेस, इस रेस का असली विजेता मॉर्फो था। क्यों, क्योंकि जो मॉर्फो था उसने ओसी की मदद करी उस मकड़ी के जाले से निकलने में, जबकि उसको पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो रेस हार जाएगा, लेकिन तब भी उसने अपने दोस्त की मदद करी। नेक्स्ट है हमारा व्हाई डिड ओसी वांट मॉर्फो टू टेक पार्ट इन द रेस,
अब ऑसी ऐसा क्यों चाहती थी चाहता था कि मॉर्फो भी हिस्सा ले रेस में. ऑसी वॉन्ट्स मॉर्फो टू टेक पार्ट इन रेस बिकॉज शी थॉट दैट ही थॉट दैट ही कुड बीट मॉर्फो इजली इन द रेस. ऑसी क्यों इसलिए चाहता था कि मॉर्फो उस रेस में हिस्सा ले, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि वो तो मॉर्फो को आसानी से रेस में हरा देगा, इसलिए वो चाहता था कि मॉर्फो उसमें हिस्सा ले.